चैनल में मैं आपको बताने वाला हूं, आज बहुत बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली से बिहार के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज ही रवाना होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने, दिल्ली से बिहार के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज ही रवाना होगी। आपको मैं बता दे रहा हूं कि दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के बीच फंसे। लॉकडाउन के बाद लोगों को दिल्ली से बाहर 1100 किलोमीटर की यात्रा पैदल, साइकिल या रिक्शा चलाकर पूरी की है। दिल्ली कोरोना से पूरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली करीब 6000 लोगों कोरोना पॉजिटिव संक्रमण पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में रवाना 448 नए मामले आए हैं। बिहार में कई मजदूर, प्रवासी, छात्र एवं दिल्ली में फंसे हुए जिन्होंने अपने घर के लिए चिंता रही है। दिल्ली सरकार शुक्रवार को पहली विशेष ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए रवाना करेगी। शुक्रवार की शाम को दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए रवाना होगी। आज ही, बिल्कुल आज का ही बात है ये, आज रवाना होने वाली है। अब बता दें 1200 मजदूर के लिए दिल्ली की पहली ट्रेन रवाना होगी। दिल्ली में हज़ारों की संख्या में बिहार के मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसे में मजदूर जो दिहाड़ी के काम करके अपने जीवन का यापन करते हैं, लॉकडाउन के कारण उनके ऊपर रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट पड़ा है। इसमें कई भी ऐसे फंसे हैं जो दिल्ली में जो घर आना चाहते हैं। स्पेशल ट्रेन के परिचालन शुरू होने से उन्हें घर वापसी की उम्मीद बढ़ गई है। शुक्रवार को स्पेशल ट्रेन से 1200 मजदूर को स्पेशल ट्रेन के दिल्ली मुजफ्फरपुर के लिए देर शाम रवाना होगी। इसके लिए बिहार के कई रूटों की भी स्पेशल ट्रेन की सुविधाएँ दिल्ली से शुरू की जाएगी। ये बहुत बड़ा अपडेट था। और दूसरा आपको बता दें, और भी है जो 20,000 मजदूर आ रहे हैं बिहार। आपको बता देना चाहता हूं कि लॉकडाउन के बीच आज 20,000 लोग आएंगे बिहार। देखिए ट्रेनों की पूरी लिस्ट यहां भी है, आप दिखा दे सकते हैं आपको। लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्य में फंसे बिहार के लोग की घर वापसी तेज़ी हो गई है। रोज़ श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के लिए अलग अलग जिलों में आ रही है। शुक्रवार के भिन्न राज्यों में 20 ट्रेन बिहार पहुँचेगी। आज ही बिल्कुल पहुँचेगी बिहार। इन ट्रेनों से 20,629 लोग आएंगे। इस तरह शुक्रवार तक पिछले दो दिनों में ट्रेनों में माध्यम 44,000 से अधिक लोग बिहार पहुंच गए हैं। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी कि गुजरात से 4, आंध्र प्रदेश से 3, तेलंगाना से 3, पंजाब से 2, राजस्थान से 2, हरियाणा से 2 ये ट्रेन चली गई ये जगहों से, और 4 ट्रेन का अभी अपडेट नहीं आया है। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये ताज़ा न्यूज़ है आज के ही है। इतना लोग आ रहे हैं प्रवासी अपने बिहार में, ये जो ट्रेन चल रही है कहाँ कहाँ से, उसने पूरा लिस्ट बताया और मैं आपको पेपरों में दिखा दे रहा हूँ। मैं आपको पेपर का भी कटिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 20,000 ट्रेन से पहुँचेंगे 28,467 प्रवासी, 20 ट्रेनों से आज आएंगे 20,000 मजदूर। यहाँ देख सकते हैं लॉकडाउन के कारण बिहार में बाहर फंसे लोगों के लिए ये अनुपम कुमार ने ये बताया कि 7 राज्यों से 20 ट्रेन जारी किया गया है, आज ही खुलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सा जगह पे, सहरसा, बरौनी, दरभंगा से इतना आदमी, और ये हरियाणा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, आप देख सकते हैं गुजरात, पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, क्रमशः 1200 यात्री महाराष्ट्र मोतिहारी में, 1200 राजस्थान में से भोजपुर के, सहरसा के क्रमशः 1246 व 1333 यात्री आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक और बहुत बड़ा अपडेट है, आप देख लीजिए यहाँ पर जो दे रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया, कर्नाटक भी राजी, आज खुलेगी ट्रेन। कर्नाटक बीच में बंद किया था कि हम नहीं ट्रेन खुलने देंगे या श्रमिक नहीं जाने देंगे, यहाँ पे अभी वो भी क्लियर हो गया कि यहाँ से खुले देंगे। लिखा हुआ है कर्नाटक भी राजी, आज से खुलेगी ट्रेनें। यहाँ लिखा हुआ रेलटी निर्माण के लिए दिग्गज सिंह संघ ने बैठक के बाद प्रवासी मजदूर के घर वापसी के लिए इनकार करने वाले कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा अब उन्होंने भेजने के लिए राजी हो गए हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को वहाँ से बिहार और यूपी के, झारखंड के लिए ट्रेन खुलेगी। बहुत बड़ा अपडेट था तो आप लोग को बताना मैं उचित समझा। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को दबाइए क्योंकि अगला नोटिफिकेशन कोई भी न्यूज़ का हो, कोई भी अपडेट हो तो आप तक जरूर पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।